देश में नई सरकार बन गई है, लेकिन भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ रेल हादसा तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला, भाजपा सरकार की मुश्किलें इन सब से बढ़ गई हैं। इन सब से इधर संसद शुरू होने से पहले एक नया मामला खड़ा हो गया है। बीजेडी के कभी वफादार रहे सांसद भूतिहार महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसदीय परंपरा के खिलाफ है। रमेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। रीति रिवाज और परंपरा के मुताबिक कोडी निकुल सुरेश का पूरा हक बनता है, मगर यह पूरी तरह से बुलडोजर की मानसिकता है। सरकार पहले दिन से ही पंगा ले रही है। जयराम रमेश ने कहा कि 18वीं लोकसभा में कोडी कुनुल सुरेश और भाजपा के वीरेंद्र कुमार दोनों ही अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 2019 में वीरेंद्र कुमार और 2014 में कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर बने थे। वीरेंद्र कुमार अब मंत्री बन गए हैं, इसलिए उम्मीद थी कि सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। रमेश ने कहा भाजपा ने बीजेडी से 6 और भाजपा के 7वां कार्यकाल वाले सांसद भूतिहार महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। यह टकराव की राजनीति है। अभी वे बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से उभर नहीं पाए हैं। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत हैं। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है। पीएम मोदी अब श्री 400 नहीं बल्कि श्री 240 है। रमेश ने कहा कि यह प्रोटेस्ट स्पीकर है क्या, यह 2 दिन के लिए है। 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। 24 और 25 जून को सभी लोकसभा सदस्य शपथ लेंगे। इसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। भूतिहार महताब पहले बीजेडी में थे, वह 7 बार सांसद हैं और चुनाव से पहले ही भाजपा का दमन थामा और ओडिशा की बदरक सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। कोडी निकुल सुरेश केरल के मावेलिकरट्टा सीट से कांग्रेस सांसद हैं। इस बार वो अपना 8वां चुनाव जीत कर आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस की इस आलोचना का असर भाजपा पर कितना पड़ेगा, ये समय ही बताएगा।